हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हाल ही में आरबीआई द्वारा प्रारंभ की गई वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति की अवधि क्या है? देखिए, जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 2019 से 2024 तक। देखिए, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 से 2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ठीक है, देखिए, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। देखिए, वर्तमान में पूरे विश्व में तेजी से वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास के चालक और गरीबी उन्मूलन के रूप में पहचाना जा रहा है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 7 सतत विकास लक्ष्यों में इसकी चर्चा की गई है। देखिए, भारत में भी समन्वयपूर्ण और समयबद्ध तरीके से उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आरबीआई ने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस सूचकांक के अंतर्गत तर्कसंगत तुलना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 समूहों में बांटा गया है। हरियाणा फ्रंट रनर समूह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। सूचकांक में 37 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। देखिए, जो इसका स्टेटमेंट सही है वो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड। देखिए, 10 जनवरी 2020 को ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 अभी जारी किया है। देखिए, यह सूचकांक 97 महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता पहल की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, देखिए, तर्कसंगत तुलना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति पर आधारित 4 समूहों में बांटा गया है। इसमें है आपका फ्रंट रनर, सेकेंड है आपका अचीवर, थर्ड है आपका कंटेंडर और चौथा है आपका एस्पिरेंट में बांटा गया है। ठीक है, देखिए, हरियाणा, केरल और कर्नाटक वर्ष 2019 के लिए अचीवर समूह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आपके ऑप्शंस हैं, अपनी पहल पर, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करे। देखिए, जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ठीक है, देखिए, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी पैडल फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम सेफुरुस ग्लाडियस है। इसे वर्ष 2019 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए, अभी हाल ही में साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में ताजे पानी के सबसे बड़ी मछली में से एक चीनी पैडल फिश को विलुप्त घोषित किया गया है। ठीक है, जिसकी लंबाई 7 मीटर यानी 23 फीट तक थी। इसका वैज्ञानिक नाम सेफुरुस ग्लाडियस है। अंतिम बार 2003 में यांगजी नदी में देखा गया था। यह
चीनी शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची के मानदंडों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि चीनी पैडल फिश विलुप्त हो गई है, ठीक है, 2019 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेके भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भाषा वियतनाम में बोली जाती है। यह दुनिया में लुप्त प्राय भाषाओं में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, जो इसका स्टेटमेंट सेकेंड है वो सही है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए, सेके का अर्थ है गोल्डन भाषा, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो नेपाल में हुई है। नेपाल में तिब्बती सीमा से संबद्ध क्षेत्र के सिर्फ 5 गांव चुकसांग, चेले, ग्याकर, टांगबे और तेतांग में बोली जाती है यह, ठीक है। विश्व में सिर्फ 700 लोग ही सेके भाषा बोलते हैं। यह दुनिया में लुप्त प्राय भाषाओं में से एक है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।